अस्सलाम वालेकुम बच्चों, पिछले वीडियो में हम घ के वर्ण घ के बारे में सीख चुके हैं और च को कैसे लिखना है वो भी सीख चुके हैं। आज हम हमारे वर्ण च के बारे में आगे कार्य सीखेंगे। बच्चों, यहाँ पे जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है ये चित्र चरखे का है। चरखा शब्द इसमें आप लोग देख सकते हो कि पहला वर्ण ही च है। हमें सिर्फ यहाँ जो शब्द लिखा है चरखा, उसे देख के नीचे च लिखना है, जिससे बिंदुओं के द्वारा च लिखना सीखना है। अब हुआ अखा शब्द चरखा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ सूचना लिखी हुई है कि च को ढूंढकर उस पर गोल बनाओ। अलग अलग वर्ण लिखे हुए हैं, हमें हमारा वर्ण च जहां भी दिखाई दे वहां हमें गोल राउंड करना है। पहला सब वर्ण ही च है इसलिए यहाँ पे राउंड करेंगे। फिर ग है, ट है, हमें सिर्फ च पे राउंड करना है इसलिए इसे छोड़ देंगे और जहां च दिखेगा वहां पे हम गोल राउंड करते जाएंगे। इस तरीके से हमें यह प्रश्न भी कंप्लीट करना है। आगे देखो बच्चों, यहाँ पे लिखा है सिर्फ पढ़ो, जो चित्र दिखाई दे रहा है वो च का है, हमें च को पहचान के जोर से पढ़ना है च। यहाँ पे च का चित्र बना हुआ है, तुम्हें अपने मन पसंद कोई भी एक रंग भरना है अपनी पसंद का। यहाँ पे बिंदुओं के द्वारा च कैसे लिखाई लिखते हैं वो बताया गया है बच्चों, जो पिछले वीडियो में हम सीख चुके हैं। इस बार सिर्फ बिंदुओं को जोड़ के हम च बनाएंगे। एक बार फिर से यहाँ पे जो तीन लीटी दिखाई दे रही है बच्चों, वहां हमें बिंदुओं द्वारा भी च बताया गया है और यहाँ पे खाली खाली है। जहां पे तुम्हारे क्या करना है बच्चों के, पढ़ते जाना है और लिखते जाना है च। जितनी बार लिखोगे उतनी बार पढ़ना है, जिससे आप आराम से च को लिखना और पढ़ना सीख लो। इस तरीके से ये तीनों लिटी कंप्लीट करनी है। ये तीन लिटी कंप्लीट हो जाने के बाद पीछे के पेज पे अपने जाएंगे। ये पेज नंबर 11 है, अब हम लेंगे पेज नंबर 12। हमारी हिंदी प्रवेशिका में पेज नंबर 12 पे नया प्रश्न है, च को च से शुरू होने वाले चित्रों को जोड़े। बीच में च लिखा हुआ है और हमें च से शुरू होने वाले चित्रों से च को जोड़ना है। जैसे कि च से शुरू होता है चरखा, तो हम च को चरखे से जोड़ेंगे। च से चम्मच, यहाँ लिखा है सैनिक, जो च से शुरू नहीं होता है इसलिए उसे छोड़ देंगे। फिर है कबूतर। फिर है चटाई, जो च से शुरू होती है तो हम च से उसे जोड़ेंगे। चपरासी, खरगोश, जो च से शुरू नहीं होता है इसलिए उसे जोड़ेंगे नहीं। इस तरीके से चित्र देख के आपको वर्ण च से उसे जोड़ना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पे हमें च जहाँ जहाँ हमारा वर्ण च दिखाई दे वहाँ हमें उसके नीचे एक आड़ी रेखा खींचनी है। जैसे कि शब्द है नाच, दूसरा वर्ण ही च है जहाँ हम आड़ी रेखा खींचेंगे। दूसरा शब्द है कचहरी, यहाँ पे च के नीचे हमने रेखा खींची। चमेली, चतुर, चना, चरण, सभी शब्दों में से हमने जहां जहां हमें हमारा वर्ण च दिखाई दिया वहां हमने एक आड़ी रेखा खींची है। इस तरीके से ये प्रश्न को कंप्लीट करना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पे हमें च से अलग वर्ण पे
खोटे की निशानी करनी है, यानी कि च जहाँ दिखाई दे वो चौको तो रखना ही है, पर च से जो वर्ण अलग है उसके ऊपर हमें चौकड़ी की निशानी करनी है। तो च से अलग है म, ये हमने चौकड़ी की निशानी की। फिर से च आया, दूसरा शब्द है वर्ण है प, ब, व, ज, भ, ग, स्र, स। देखो बच्चों, इस कोष्टक के अंदर जहां पे च है वहां हमने चौकड़ी नहीं की है, जो अलग है वर्ण वही चौकड़ी की है। इस तरीके से आप लोगों को भी ये प्रश्न कंप्लीट करना है, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में तो आ ही रहा होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पे हमें पढ़ना भी है और लिखना भी है। ऊपर जो चित्र दिखाई दे रहा है वो चपरासी, चपरासी का चित्र है, जैसे पटे वाला जिससे हम बोलते हैं, तो चपरासी पढ़ना भी है और लिखना भी है। चपरासी, चम्मच, चटाई, चरण, इस तरीके से ये प्रश्न कंप्लीट करना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पे बच्चों हमें सब अलग अलग शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों में से जहां हमें हमारा वर्ण च दिखाई दे वहां हमें गोल राउंड करना है। जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ बताया गया है चटनी, चटनी पे पहला वर्ण ही च है जहां हमने गोल राउंड किया हुआ है। दूसरा शब्द है बचना, बीच में ही च दिखाई दिया जहां पे हम गोल राउंड करेंगे। तीसरा शब्द है नाच, दूसरा वर्ण च है इसलिए दूसरे वर्ण के ऊपर हम गोल राउंड करेंगे। चौथा शब्द है चमेली, पहला वर्ण ही च है तो हमने पहले वर्ण पे गोल राउंड किया। इस तरीके से ये प्रश्न भी कंप्लीट करना है। बच्चों, आज के लेसन में आप लोगों को पेज नंबर 11 और 12 अपनी हिंदी प्रवेशिका में कंप्लीट करना है। इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अपना लेसन कंप्लीट कर लेना। जज़ाकअल्लाह।